to matter of life in the rush of nations to come, why mother may obstacle not here? Why mother may obstacle is the miracle of the peace? It is so peace, the wrong question, it is a nucleus body. But how could she teach you culture to come? This great classic, black horn, jellyfish, starfish, not in our existence. लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायनोसॉर प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल का एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनाटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो गया। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिली थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम मानुष जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिल चिट्टे बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहने के लिए भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी आर्कियोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले मृत हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी दूरी का पृथ्वी से जान रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों का सूरज की किरणों का प्रतीक मेंढक कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्टोर चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किलहरे की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ
बंदरा पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ चार पैरों से चलते थे तो खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्टाइनोसॉरस के बीच पर नौका के पार की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता था। एवं ओवी राक्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तीन धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और कोरिथोसॉरस के स्तर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोरम उड़ने फिसलने में पाए थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंटिलोप पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पांडव लोग उनमें मौजूद थे। सिर दूध वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शहर से उछल कर संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई मृत्यु के कारण